दीक्षा पूरी हुई वो अपने गुरु के चरणों पर सिर रखकर रोने लगा। विदाई का वक्त था। गुरु ने उसे संभाला, उससे कहा कि रो मत बच्चे। तो उसने बोला, गुरुजी पूरा जीवन आपने मुझे सिखाया, समझाया, पढ़ाया, मैं आपका सबसे प्यारा शिष्य रहा। जितने भी शिष्य थे आपके, सारे शिष्यों ने कुछ ना कुछ आपको दिया, लेकिन मैंने क्या दिया आपको? कुछ नहीं, क्योंकि मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। आपने ही मुझे सड़क से उठाया था, मुझे पाला पोसा, बड़ा किया, आप ही मेरे गुरु, आप ही मेरे पिता तुल्य। मैंने क्या किया आपके लिए? कुछ नहीं। और अब मेरी शिक्षा पूरी हो गई, अब मेरे जाने का वक्त आ गया है, तो मैं आपको क्या दूं? ऐसा ये सोच सोचकर मेरे आंसू बहे जा रहे हैं। गुरु ने कहा, इन आंसुओं से ज्यादा कीमती कुछ नहीं है बेटा, तुमने अपनी गुरु दक्षिणा दे दी है। लेकिन उस बच्चे के मन में यह था, उस शिष्य के मन में यह था कि नहीं, मुझको अपने गुरु तक गुरु दक्षिणा देनी है। तो उसने हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन किया कि गुरुजी एक आशीर्वाद दीजिए, एक वचन दीजिए कि मैं कुछ भी लेकर आऊंगा आपके लिए, कुछ भी, आप उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे। गुरु ने ये भक्ति भाव देखकर अपने शिष्य से कहा कि अब तुम जो लाओगे बेटा हम स्वीकार कर लेंगे, तुम परेशान मत हो, जाओ अपना जीवन जियो, खुश रहो। वो लड़का वहां से निकला, नदी पार की, वो छोटा सा जो जंगल था वो पार किया। पार करते हुए पहले गांव तक पहुंचा और उस गांव में जाकर जो है उसने भिक्षा मांगी, कुछ मिला खाने को, खाया। एक जगह सराय थी, वहां जाके सो गया। उस सराय में सोते वक्त भी उसके दिमाग में अजीब सी उलझन मची हुई थी। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है, कैसे दूर किया जाए, क्योंकि उसके दिमाग में अभी भी यह था कि उसने अपने गुरु को कुछ गुरु दक्षिणा नहीं दी। उसी सराय में एक व्यापारी लेटा हुआ था। तो उस व्यापारी ने कहा कि महोदय आप बहुत परेशान दिख रहे हैं, क्या मतलब, क्या बात है? तो उसने कहा कि मैं ऐसे ऐसे अभी जस्ट गुरुकुल से निकल के बाहर आया हूं, लेकिन मैंने अपने गुरु को गुरु दक्षिणा नहीं दी, चाह था कि कुछ तो गुरु दक्षिणा दू। तो उसने कहा इसमें क्या बात है, कुछ तो दे ही सकते, क्या मेरे पास कुछ नहीं? कोई बात नहीं, यहाँ के जो राजा हैं उन्होंने एक नियम बना रखा है, एक प्रथा बना रखी है कि उनके राज्य में कोई भी जो पहला याचक उनके दरबार पे आता है तो वो उनको मुंह मांगी चीज दे देते हैं, जो मांग लीजिए आप, आपको मिल जाएगी। सुन के वो जो लड़का था उठ के खड़ा हो गया, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो सीधा राज दरबार की तरफ पहुंचा और बाकी की जो बची रात थी वो दरबार के गेट पे किनारे खड़ा होकर गुजारना शुरू कर दिया कि सबसे पहले मुझे ही पहुंचना है। सुबह हुई, पहली किरण फूटी, राजा बागीचे की तरफ घूमने निकला। उसके सामने वो लड़का, उसको देखते ही राजा रुका। लड़के ने बोला, महाराज मैं पहला याचक हूं आपके द्वार पे, तो इसलिए जो मांगूंगा मुझको दीजिएगा। उसने कहा ठीक है। रात भर वो ये सोच के रखा था कि कुछ भी हो जाए 5 स्वर्ण मुद्रा ले लूंगा, गुरु जी के चरणों पे चढ़ा दूंगा, आनंद आ जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। जैसे ही राजा सामने खड़े, राजा ने कहा कि तुम आज के ही नहीं, इस पूरे सालों साल के पहले याचक हो जो यहां पे मेरे सामने खड़े हो, तो इसलिए जो मांगोगे दे देंगे। लड़के ने सोचा जो मांगेंगे महाराज? उसने कहा हाँ, जो मांगोगे वो दे दूंगा। लड़के ने कहा तो महाराज 5000 स्वर्ण मुद्रा दे दीजिए आप। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो उसने कहा नहीं नहीं महाराज एक मिनट रुकिए, क्या महाराज आप थोड़ा सा टहल के आइए, तब तक मैं, क्या तुम लगता है गुणा गणित नहीं किए हो, मैं टहल के आता हूं, फिर उसके बाद आप सोच के बता देना। उस लड़के ने अपनी सोच बढ़ानी शुरू की कि 5 लाख मांग लू, 5 करोड़ मांग लेता हूं, सही रहेगा, 5 अरब। गणित जहां तक जा सकती थी वहां तक उसने सोच लिया, फिर भी मन नहीं भरा, लगा कि यार कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो छूट रहा है। फिर वापस राजा वापस आया, उसने कहा तो सोच लिया? उसने कहा प्रभु 5 अरब अशर्फियां सोने की। तो राजा बोलने ही वाला था कि हाँ, अचानक वो बोला नहीं नहीं महाराज रुक जाइए, एक आखिरी विनती, आप एक बार टहलाइए, फिर से हम फाइनल कर देते हैं। ठीक है।
अब वो जो उनके गुरु थे उनको चढ़ाने वाली 5 अशर्फी थी, उनका जो गुरु प्रेम था, उनको जो दक्षिणा देनी थी, वो सब किनारे। गणित नया चल गया कि भैया कुछ भी मांग सकता हूं मैं इससे। तो उसने कहा क्यों ना मैं ये राजपाट ही मांग लूं, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। राजा जब आए तो उन्होंने कहा महाराज जो भी मांगूंगा देंगे आप, जो मांगोगे देंगे। महाराज ये राजपाट मेरा, जिन कपड़ों में आप हैं वो कपड़ा पहन के चले जाइए, ये सब कुछ मेरा। ये सुनते ही राजा ने ऊपर आसमान की तरफ देखा और धन्यवाद देते हुए कहा भगवान बहुत शुक्रिया, जिसकी इतने सालों से मैं प्रतीक्षा कर रहा था, इंतजार कर रहा था, वो व्यक्ति आ गया। लीजिए भैया पूरा राजपाट मैं आपको देता हूं, और ये जो 2 कपड़े हैं ये भी आपको लगेगा कि क्यों लेके गया वो, ये भी मैं उतार के दे दूंगा, मैं ऐसे ही नंगा निकल जाऊंगा, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सुनते ही वो लड़का एकदम सकपकाया, उसको लगा कि महाराज तो अभी गुस्सा होंगे, नाराज होंगे, हो सकता है मुझको जो है अपने सिपाहियों से कहें कि इसको हवा बंद करो, लेकिन ये तो उल्टा हो गया, ये क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूं मैं। और अचानक उसने फिर से कहा भगवान एक आखिरी बार आप एक बगीचे का चक्कर लेके आइए, उसके बाद मैं आपको 100% बता दूंगा कि मुझको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, बस एक आखिरी बार। राजा ने कहा ठीक है। राजा गया, चक्कर लगाकर वापस आया तो वो लड़का वहां नहीं था, वो लड़का जा चुका था। इसलिए जा चुका था क्योंकि उसके समझ में आ गया था कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन के 40, 45, 50 साल इस पूरी मोह माया के बीच में बिता दिए, उसको अब ये मोह माया या उसको अब ये सब कुछ मिथ्या लग रही है, और वो इससे पीछा छुड़ाना चाहता है, तो मैं इसमें क्यों फंसना चाहता हूं। वो लड़का राजा उसकी संपत्ति उसकी अथाह दौलत सबके उस पार जाके देखने में समर्थ हुआ, और उस पार जाकर जब उसने देखा तो उसको अपने होने का ज्ञान हुआ एक तरीके से। वो सीधा वापस अपने गुरु के पास पहुंचा और गुरु के पैरों पे 2 गुलाब के फूल रखकर कहा मुझको मेरे जीवन का सबसे बड़ा सबक मिल गया गुरुजी, अब मैं अपना जीवन सुख से शांति से बिता सकता हूं।